हेलो एंड वेलकम। AWS में आर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास तीन अलग अलग टूल्स अवेलेबल है फर्स्ट परफॉर्मेंस इनसाइट्स सेकंड इनहेंस मॉनिटरिंग, थर्ड क्लाउड वॉच हमने तीनों के बारे में इंडिविजुअल समझ लिया है पर हमें कंपैरिजन करना है कि कब हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं टू ट्रबल सूट अवर ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन ऑल दीज थ्री टूल्स सो लेट्स स्टार्ट टू मिनट्स यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखिए आप हमारे एडब्ल्यू के वीडियोस देख रहे हो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा आपको अगर हमें कुछ भी बताना है आपके पास कई सारे रास्ते हैं पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल देखिए हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं आगे जाके एजियोर के वीडियोस आने वाले हैं डेवप्स के वीडियोस आने वाले हैं पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं हमारा टारगेट है कि हमें वन मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अगर आपके ग्रुप में कोई आईटी प्रोफेशनल्स हैं है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो यहां पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा होगा और होगा राइट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू वेरी मच नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस यहां पे हम हर एक टूल के बारे में सेवन पॉइंट्स कंपेरिजन करेंगे सेवन पॉइंट्स फॉर परफॉर्मेंस इन सेवन फॉर इन मॉनिटरिंग एंड सेम फॉर क्लाउड वॉच सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस इनसाइट की बात करें तो उसका मेन फोकस होता है डेटाबेस इंजन परफॉर्मेंस आपने जो भी डीबी बनाया है इसके अंदर मेनली टू कॉम्पोनेट होते हैं एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा होता है डेटाबेस इंजन परफॉर्मेंस इनसाइट स्पेसिफिकली मॉनिटरिंग करता है आपके डेटाबेस इंजन पे इट कैन बी एनी इंजन सपोर्टेड बाय एडब्ल्यूएस आरडीएस लाइक माई सिक्वल पोस्ट्रे सिक्वल और एनी अगर हम इनहेंस मॉनिटरिंग की बात करें तो इनहेंस मॉनिटरिंग एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटरिंग पे मेन फोकस करता है हालांकि अगर हम आर की बात करें तो वी कैन कैटेगराइज इट एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यहां पे हमें डेटाबेस इंजिन का या तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है पर यस आप दोनों को मॉनिटरिंग कर सकते हो यूजिंग टू डिफरेंट टूल ये स्पेशलाइज मॉनिटरिंग है अगर आपको स्पेसिफिकली डेटाबेस इंजन का मॉनिटरिंग करना है आप इनहेज मोनिटरिंग यूज करो क्लाउड वॉच ओवरऑल आरडीएस इंस्टेस का मॉनिटरिंग करता है यानी कि ऑलमोस्ट दोनों uh, का मॉनिटरिंग आप क्लाउड वॉच से कर सकते मॉनिटरिंग लेवल डिटेल इन डेप्थ क्वेरी एंड वेट स्टेट स्टेटिस्टिक्स सीक्वल का इन डेप्थ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इनसाइट से हो सकता है अगर हम इनेस मॉनिटरिंग की बात करें जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे मॉनिटरिंग करता है वो हमें डिटेल लेवल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा और ऑलमोस्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद इन इंटरवल क्लाउड वॉच यहां पे हमें दो टाइप के मॉनिटरिंग मिलते हैं एक होता है बेसिक मॉनिटरिंग यहां पे हमें जो डेटा मिलेगा वो फाइव मिनट इंटरवल पे मिलेगा और अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग करवाते हो तो वन मिनट पे ऑलमोस्ट रियल टाइम है यहां पर जो मैट्रिक्स टू दीक्वल क्वेरी होता है लाइक डेटा वेज लोड क्वेरी परफॉर्मेंस यहां पर जो मेट्रिक होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होता है लाइक सीपीयू रेम डिस्क आयो यहां पर भी सीपीयू मेमोरी स्टोरेज आयो रिलेटेड ही होता है पर

एलार्म एंड ऑटोमेशन यहाँ पे नहीं है यहां पर भी नहीं है सो परफॉर्मेंस इन साइट इनिटरिंग हमें एंड ऑटोमेशन फैसिलिटी नहीं देता है पर क्लाउड वॉच हमें ये फैसिलिटी देता है जैसे कि अगर मेरा सीपीयू नाइनटी परसेंट अप जा रहा है आर डी एस इंस्टेस का मुझे चाहिए अलार्म या ई मेल नोटिफिकेशन तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसका मतलब क्या है आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोनिटरिंग क्लाउड वॉच से करोगे वहां पे अलार्म सेटअप करोगे तो आपको तुरंत ईमेल मिलेगा कि भाई आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस 90% परसेंट ऊपर जा रहा है उसके बाद आप फर्दर ट्रबल शूटिंग के लिए परफॉर्मेंस इनसाइट्स और इनहेस मॉनिटरिंग के लॉक्स को देखोगे टू फाइंड आउट एंड सॉल्व प्रॉब्लम तो ये स्टार्टिंग है बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट क्लाउड वॉच से होता है उसके बाद हम एडवांस मोनिटरिंग के लिए ये दोनों का यूज करते हैं यूज केस सॉरी सॉरी टू इंटरप यू आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर अगर आप ये हंड्रेड डेज चैलेंज के सभी वीडियोज पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर वन हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट क्लाउड फॉक्स हब पे चाहिए वहाँ पर आपको एक हंड्रेड डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा उसको सब्सक्राइब करिए हमारा प्राइस बहुत ही कम है जस्ट फोर नाइंटी नाइन रुपीज ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा टू फोर्टी वीडियोज टोटल मिलेंगे दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे नाउ यू कैन ज्वाइंट आवर बरशिप प्रोग्राम एज वेल ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए वहां पर एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा वहां पर ज्वाइन करिए आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ एटी नाइन रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियो आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू टू फोर्टी और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ एटी नाइन रुपीज पर मंथ आई होप यू विल जॉइन दिस थैंक यू वेरी मच गुड बाय